हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम विनीत लुम्बा, टॉप एजुकेटर हेयर एट अन अकेडमी। और आज के सेशन में हम बायनोमियल थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। वन शॉट में बायनोमियल थ्योरम को हम कवर करेंगे, और थ्योरी होगी, पी वाई क्यूज होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स होगी, सारा कुछ हम इस सेशन में आज देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। सो एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग फाइन। लेट्स स्टार्ट राइट अवे। ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम थ्योरी देख लेंगे सारी बायनोमियल थ्योरम की। जेई मेंस के पी वाई क्यूज डाले हैं मैंने इसमें, कुछ मैंने जेई एडवांस के भी पी वाई क्यूज रखे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं जेई मेंस में आने वाले, और शॉर्ट ट्रिक्स भी इसमें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो एक काफ़ी अच्छा बायनोमियल थ्योरम का जो है ये वन शॉट बनने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं इस सेशन को राइट अवे। सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट पे जाते हैं अगर हम, तो एक्स प्लस वाई की पावर एन है अगर आपके पास, तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन, वाई की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई की पावर टू। बेसिकली एक्स की जो पावर्स हैं वो कम होती जाती हैं, वाई की पावर्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, और आगे आपके पास बायनोमियल कॉफिशेंट एन सी आर का रहता है। तो अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो टी आर प्लस वन इस तरह से लिखी जा सकती है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। ये जो नंबर है और जो इसकी पावर है वो दोनों मैच करते हैं इस बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में। नंबर ऑफ टर्म्स जो रहती हैं वो एन प्लस वन टर्म्स रहेंगे, राइट। ये हमारी एक्स प्लस वाई की पावर एन की यहाँ पे एक्सपेंशन हम देख सकते हैं। फिर अगर इसमें मैं एक्स माइनस वाई की पावर एन की बात करता हूँ, तो उस समय जहाँ जहाँ पे ऑड पावर है वाई की, वहाँ वहाँ पे नेगेटिव साइन आपको आता दिखाई देगा, जैसे वाई की पावर वन पे, वाई की पावर थ्री पे। बेसिकली आप कह लीजिए कि यहाँ पे आपने वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, लेट से आई ऐड बोथ ऑफ देम, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आपके पास क्या आता है, इस टर्म का बेसिकली डबल आ जाएगा। जो ऑड ऑड वाली टर्म्स है ना वो कट जाएंगे, और इवन इवन वाली टर्म्स का क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। तो टू टाइम्स एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, इस तरह से ये चलेगा। फिर अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो उस केस में इवन वाले कॉफिशेंट्स जो हैं वो हट जाएंगे, और ऑड वाले जो कॉफिशेंट्स हैं ना उनका टू टाइम्स आपको यहाँ पे मिलता दिखाई देगा। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी सबको। ये बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट होगी हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होगी, ये हमारी जनरल टर्म आ जाती है एन सी आर एक्स की पार एन माइनस आर, वाई की पार आर। और अगर ये हम माइनस में खोलें तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएंगे, दोनों का सम करेंगे तो इवन वाले बचेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ऑड वाले बच जाएंगे टू टाइम्स। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो एक्स प्लस एक्स की पार थ्री माइनस वन की पार हाफ होल रेज टू पावर सिक्स है, और एक इसी का ही नेगेटिव वाला वर्जन है। इसमें मैं हाईएस्ट पावर निकालनी है, एक्स की कितनी प्रेजेंट हो सकती है। अब देखा जाए तो अगर मैं इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई मानता हूँ, तो ये कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई की पावर सिक्स है, और ये कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई की पावर सिक्स है। यहाँ पे आप देखिए, जब दोनों का सम होगा तो बेसिकली क्या बचेगा, आपके पास इवन कॉफिशेंट्स बचेंगे, है ना। तो इवन वाले बचेंगे तो एक तो ये टर्म बच जाएगी सिक्सटी जीरो की, एक सिक्सटी टू की टर्म बचेगी जिसमें एक्स की पावर फोर और इसकी पावर बेसिकली हाफ है, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो पावर वन आ जाएगी, राइट। ये हाफ रूट है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि पावर फोर है, और यहाँ पे पावर सिक्स है तो यहाँ पे इधर वैल्यू क्यूब आ जाएगी। अब इसमें से हाईएस्ट पावर जो आपको मिलने वाली है वो सिक्स मिलने वाली है, इसमें से हाईएस्ट पावर कितने मिलने वाली है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेवन मिलने वाली है, और इसमें से हाईएस्ट पावर कितने मिलेगी, तो सिक्स एक मिलेगी, सिक्स इंटू ये एक्स की पावर टू के साथ करेंगे तो एट मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्स क्यूब का क्यूब मिलेगा बेसिकली, तो वो हमें एक्स की पावर नाइन दे देगा। तो दैट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट विल गेट है, एक बार इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, लेट से हमें इसमें टी ट्वेंटी वन पता करना है, मतलब ट्वेंटी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, तो टी आर प्लस वन का हमारा एक्सप्रेशन था, तो आर की वैल्यू ट्वेंटी आ जाएगी, तो फोर्टी सी ट्वेंटी टू एक्स की पावर ट्वेंटी माइनस वन अपॉन रूट टू एक्स की पावर ट्वेंटी, यहाँ पे एक्स की पावर ट्वेंटी दोनों कट जाएंगे और आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। ठीक है, मैंने इलेवंथ में बायनोमियल थ्योरम छोड़ दिया था, उतना ही कर लिया, कोई बात नहीं, आप ये सेशन लगा लीजिए, आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा बायनोमियल थ्योरम। देखिए
3x माइनस 1 बाय एक्स की पावर 20 है, तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जैसे ढूंढना। जैसे आप देखिए यहाँ पे भी एक ऐसी टर्म बनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनी है, बट मान लो हमें डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स पूछा हो कि ऐसी टर्म जिसमें एक्स ना आ रहा हो, तो आप सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, वो 20 सी आर आ गई, 3x की पावर 20 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर आर। फिर क्या करना है, जो हमारी एक्स की पावर्स है उनको सेपरेट आउट कर लीजिए, यहाँ से एक्स की पावर 20 माइनस आर और इधर से जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस आर बनेगा, तो बेसिकली 20 माइनस 2 आर आपकी एक्स की पावर बन गई। और हम क्या चाहते हैं कि एक्स की पावर 0 हो जाए, क्योंकि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स की पावर कितनी चाहिए, एक्स की पावर 0 चाहिए, तो यहाँ पे ये हमने 0 कर देना, तो आर अपना कितना बन जाएगा, यहाँ से 10 बन जाएगा। अब आर 10 आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो 20 सी 10, 3 की पावर 10 और 1 माइनस 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आपकी T11 बन जाएगी, दैट विल बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें कॉफिशंट ऑफ एक्स की पावर 7, मान लीजिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये px² + 1/qx की पावर 26 है, एक बार ट्राई करके देखिए खुद से। तो यहाँ पे tr+1 आपका क्या है, 26 cr है, px² की पावर 26 - r है, तो 1/qx की पावर r इस तरह से। वॉइस आपको लो आ रही है तो थोड़ी सी वॉइस हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 26 cr ये जनरल एक्सप्रेशन आपने लिखा, px² की पावर 26 - r 1/qx की पावर r। मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ, वैसे तो ठीक आ रही है, मेरे मोबाइल पे तो ठीक आ रही है भाई, है ना। तो थोड़ा हेडफोन वगैरह लगा लीजिए, कई बार आउटपुट थोड़ा लो होता है। तो 26 c 15 ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमें कैसे निकालना है, यहाँ से x की पावर 2 × 26 - r करेंगे और यहाँ से x की पावर माइनस आर करेंगे, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे शो करी हुई है, यहाँ से r आपके पास 15 आ गया, बिकॉज ये पावर हमें 7 चाहिए, तो दिस विल बी 15, तो r 15 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, r 15 डाला, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आपके पास बन गया, ये आपका कॉफिशेंट बन जाएगा, हमसे कॉफिशेंट पूछा था ना, तो जो एक्स की पावर 7 को छोड़ के जो बाहर बना है वही उसका कॉफिशेंट बनेगा। ठीक है, कॉफिशेंट निकालना है तो मोर देन टू टर्म्स का कैसे निकालते हैं, सारे पी वाई क्यूज बेटा आएंगे यहाँ पे ना, सारे पी वाई क्यूज आएंगे, चिंता नहीं करिए। इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर log(x)^2 ये ऐसे करके पूछा है हमसे, पावर 5 है इक्वल्स 2560 देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। ठीक है, तो कहता है इसकी थर्ड टर्म जो है वो 2560 बन रही है। अब देखिए T3 इसमें हम लिख सकते हैं जो हमने अभी सीखा है 5c2, और ये 1, तो 1 की पावर तो कुछ भी कर दे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये y वाले एक्सप्रेशन की पावर हो रही है 2, तो यहाँ पे ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गया 5c2 10 होता, तो 10 का एक जीरो और ये जीरो कट गया, 256 रह गया। अब हमारे पास यहाँ पे इसको अगर मैं रूट में ले लेता हूँ तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की पावर log(x)^2 की वैल्यू 16 आ गई, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेस टू का, दोनों तरफ बेस टू का लॉग लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आगे आ जाएगा और log(x)^2 दिखेगा और log(16)^2 आ जाएगा जो कि 4 होता है। अब ये इसका स्क्वायर बन गया और 4 का रूट लेंगे तो आपके पास log(x)^2 की वैल्यू या तो 2 या फिर -2, तो एक्स की वैल्यू 2 की पावर 2 कर सकते हैं दैट इज़ 4, या फिर एक्स की वैल्यू 2 की पावर -2 दैट इज़ 1/4, तो हमारे पास 1/4 वाली टर्म जो है वो दिख रही है, इसलिए वही हमारा आंसर होना था। ठीक है बेटा, अब सीधे ही मोर देन टू वाले करा दें, बाइनोमियल थ्योरम वन शॉट वहीं से स्टार्ट कर दें। अभी तुम्हारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो क्या हम वहीं से, अभी कोई बच्चा कहेगा मेरा मल्टीनोमियल थ्योरम में डाउट है तो सीधा क्या मल्टीनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल थ्योरम ऑफ वन शॉट शुरू करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस की बातें करते हैं, थोड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जब हम क्लास में बैठते हैं। एनीवेज आप अपनी हिसाब से कर सकते हैं, मेरे को एज अ टीचर ही चलना पड़ेगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। तो 1 + x + x² की पावर 20 अपने पास है जैसे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 3 हमें निकालने को बोला है। ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं हम यहाँ पे इन दोनों को क्लब कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गए, क्लब हो गए यहाँ पे, और ये एक टर्म आ गया अपने पास। अब जब मेरे को एक्सपेंड करूँगा तो मेरे को एक्स की पावर 3 का कॉफिशेंट निकालना है, तो पहली टर्म तो 20 सी 0 1 + x की पावर 20, फिर 20 सी 1 1 + x की पावर 19, यहाँ पे x² की पावर 1
और फिर एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है वो ऑलरेडी मिनिमम एक्स की पावर 4 देगा, उससे छोटी टर्म इस टर्म से नहीं मिलने वाली है, और आगे की टर्म तो और हायर पावर की है, तो ये सबको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 3 अगर हमें ढूंढना है तो हमें यहाँ से ही मिलेगा, अगर जो भी मिलना है विल बी एबल टू फाइंड इट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। तो यहाँ से कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 3 कितना होगा, वो होगा 26 0, तो 26 0 तो 1 होता है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इधर से एक्स की पावर 3 कितना मिलेगा, 23 से मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव, है ना, वो मिनिमम तो वी हैव एक्स स्क्वायर, तो अगर हमें एक्स क्यूब चाहिए तो एक एक्स हमें यहाँ से चाहिए होगा, तो 20 C1 20 होता है। इधर से हमें एक्स की पावर 1 का कॉफिशेंट चाहिए, दैट विल बी 19 C1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 19 C1 आ गया, और ये 20 आ गया, और ये 20 C3 आ गया। इन सब का सम करेंगे तो अपने पास एक आंसर आ जाएगा, वही आपका एक्स क्यूब का कॉफिशेंट रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि आपको टर्म्स 2 की जगह यहाँ पे 3 दिखती हैं, तो इस तरह से आप क्लब करके फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं, जो भी आपसे पूछा है वो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, रूट ऑफ एक्स प्लस के बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10, यहाँ पे हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, सच दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 405। कहता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स के इंडिपेंडेंट टर्म आएगी ना, उसकी वैल्यू अगर 405 है तो के कितना है। तो फिर से वही चीज़ है, टी आर प्लस वन लिखने का, 10 CR रूट एक्स की पावर 10 - R के बाई एक्स स्क्वायर की पावर आर, ये हमारे पास बन गया। अब इसमें हम एक्स की पावर को निकाल लेते हैं, एक तो आ गया 10 - R/2, और यहाँ से ये जब ऊपर जाएगा तो -2R आ गया। इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करने के लिए 0 कर दिया हमने, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है। 2 मतलब T3 की बात हो रही है, 10 C2, और ये तो कट ही जाएगा, और K की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, ये आपको 405 दे रखा है। अब 10 C2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का, 405 के साथ कैंसिल करने का, और K की आपके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, +3 एंड -3। तो इस तरह से आप फिर से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रीवियस ईयर जेई मेन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 7 ढूंढना है आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन में आप देखिए जो पावर्स हैं वो 1 + x की पावर जो है वो कम होती जा रही है, और साथ साथ में एक एक्स की पावर आ रही है, तो एक्सप्रेशन तो बायनोमियल की तरह चल रहा है, लेकिन बाहर बायनोमियल कॉफिशेंट नहीं है, तो ये मतलब बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन तो नहीं हो सकती। तो अब क्या करेंगे, हम सीक्वेंस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये एक जीपी की फॉर्म में फैशन में चल रहा है, जिसमें जीपी की पहली टर्म ये है, और कॉमन रेशियो अगर देखेंगे तो वो एक्स अपॉन 1 + x आ रही है, हर टर्म को एक्स अपॉन 1 + x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली टर्म मिलेगी। तो कॉमन रेशियो आपके पास पता चल गई, आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, तो आप जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फर्स्ट टर्म 1 - कॉमन रेशियो की पावर, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए ये एक्स की पावर 0 से स्टार्ट होकर एक्स की पावर 10 तक जा रहा है ना, इट इज़ मूविंग फ्रॉम एक्स की पावर 0 टू एक्स की पावर 10, इसका मतलब 11 टर्म्स है। तो एक्स अपॉन 1 + x की पावर 11 अपॉन 1 - कॉमन रेशियो, इसको थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बाहर की टर्म कट जाएंगी, और इतना एक्सप्रेशन आपके पास बच गया। अब आपको ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो इसके इक्विवेलेंट आ गया है, इसमें से एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आ जाएगा 11 की पावर 7, और ये तो दे ही नहीं पाएगा एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो खुद ही एक्स की पावर 11 है। तो बस यही एक बंदा है जो आपको एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट दे सकता था, तो वो कितना बन गया, 11 C7 बन गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास थर्ड ऑप्शन के साथ जो आंसर है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बहुत ऐसे मुश्किल नहीं आते हैं ना, 2022 में भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हैं, 2021 में भी कह रहे थे डिफ़िकल्ट आए हैं, 2023 में भी कहेंगे डिफ़िकल्ट आए हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो सब आसान है, नहीं पढ़ रखा तो भाई मुश्किल है, हल्के हल्के कई बार लेंदी क्वेश्चन जरूर आए थे, बट मुश्किल तो बायनोमियल थ्योरम से क्या ही बनाएंगे अब जेईई मेन में। यहाँ पे देखिए तो 1 + x + 2x³, ये एक एक्सप्रेशन है, बाहर मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे 3/2x² - 1/3x^9 है, हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ गई है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि इसमें बेसिकली एक टर्म बाहर है एक टर्म अंदर है, इसकी पावर हायर है। ठीक है, बट ये अच्छी बात है कि इसकी कुछ पावर नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म बाय टर्म। तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको कर दिया, और फिर इसको कर दिया। अब बेसिकली आपके पास 3 एक्सप्रेशंस आ गए, और तीनों में से आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढनी है। अगर इसमें से ढूंढनी हो, मान लो पहले वाले से, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं इसकी, ये हमें तीनों में ही काम आने वाली है। तो जनरल टर्म 9 CR 3/2 की पावर 9 - R, x की पावर 2 की पावर 9 - R, और -1/3x की पावर 8।
यहाँ से एक्स की फाइनल पावर अगर हम देखें तो वो अपने पास बनती है यहाँ से 18 -2r और -r, तो 18 -3r आपके पास एक्स की फाइनल पावर आ रही है। जब आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो आप क्या चाहेंगे, इस एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू जो पावर है वो जीरो हो जाए। तो फर्स्ट केस में हमने 18 -3r को जीरो कर दिया, तो r अपने पास आ गया है 6। अब आर सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9c6, ये यहाँ पे 6 डाल दीजिए तो 3/2 की पावर 3 और -1/3 की पावर 6, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, सेकंड वाले में बाहर एक एक्स ऑलरेडी है ना, वी ऑलरेडी हैव 1x हेयर। अब अगर हमारे पास बाहर एक्स एक है तो अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो अंदर वाला एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए, अंदर वाला एक्सप्रेशन को 1/x होना पड़ेगा, मतलब जो आपकी पावर है उसको -1 होना पड़ेगा। लेकिन -1 पे आर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। अब आर फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता भाई, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसके पास कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसके पास चलते हैं, बाहर ऑलरेडी एक्स क्यूब है तो इसको एक्स की पावर -3 आपको देना पड़ेगा, तभी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है वो बन पाएगी। तो 18 -3r को अगर हम -3 रखते हैं तो r7 निकल के आता है, तो एक 2 है बाहर उसका ध्यान रखिएगा, और बाकी इसमें आप r7 डाल दीजिए तो 9c7 3/2 की पावर 2 -1/3 की पावर 7, तो ये आपका एक और आंसर आ गया। तो इस आंसर का और इस आंसर का दोनों का जब सम करेंगे तो आपके पास फाइनल टर्म आ जाएगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी इस पूरे एक्सप्रेशन में। एक बार आप इसको देख लें फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे। ओके, आई होप दिस इज राइट, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है जिसमें से दोनों की पावर है, लेकिन इसकी पावर अभी भी छोटी सी ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोला जा सकता है, तो अभी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, पिछले वाले के जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर से और फिर टर्म बाय टर्म फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपको एक्स की पावर 12 का कॉफिशेंट चाहिए, तो यहाँ से तो 24c12 आ जाएगा। अब इधर एक्स की पावर 12 ऑलरेडी है तो मतलब अंदर से एक्स की पावर 0 उठाते हैं तो 24c0 से मिल जाएगा। अब यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो अंदर से 6 उठा लेते हैं, 6 और 6 मिलके कितने बना लेंगे, 12 बना लेंगे, तो 24c6 यहाँ से आ गया, 2 ऑलरेडी था, तो इन तीनों का सम करेंगे तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 12 आपके सामने आपको आता दिखाई देगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन से निकालने के लिए अलग अलग टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको उसके साथ डील करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों पावर्स ही हायर एंड पे हैं, ठीक है, ये भी बड़ी पावर है ये भी बड़ी पावर है, मतलब दोनों को ऐसे सिंपली एक्सपैंड तो नहीं कर सकते, तो या तो दोनों को बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर लें। तो उतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं कि हमें एक्स की पावर 3 चाहिए, एक्स की पावर 3 कैसे बन सकता है, भी हो सकता है इसने एक्स की पावर 0 दे दिया हो, इसने एक्स की पावर 3 दे दिया हो, उन दोनों टर्म्स का मिल के एक्स की पावर 3 मिल गया हो। यहाँ से एक्स की पावर 1 आएगा, इधर से एक्स की पावर 2 आएगा, प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स की पावर 3, इधर से एक्स की पावर 2, इधर से एक्स की पावर 1, प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स की पावर 3, और इधर से एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 0, एक केस ये बन गया। अब यहाँ पे चारों ही ओके केसेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमारे पास सफिशेंट पावर अवेलेबल है, तो बस दोनों के कॉफिशेंट निकाल लेंगे। 6c0 इसका तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, और 7c3 में -2x की पावर 3 आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6c1 3x की पावर 1 और ये आ जाएगा 72 -2x की पावर 2, सब में x की पावर 3 आ रहा है, तो ये सारी टर्म फिर से अगली लिख ली हमने, 62 इसका स्क्वायर, 7c1 और 63 7c0, इन सब में क्या करना है, जो कॉफिशेंट्स हैं वो उठा लेने हैं, उनका सम कर देना है, x की पावर 3 को हटा दीजिए, वो तो कॉफिशेंट में कंसिडर नहीं होगा ना, तो इनके जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ये -2 वगैरह सब रख लेने हैं, 3 वगैरह भी रख लेना, सबको पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर एडिशनल कर दो, ऐड कर दो वर्टिकल एट को, तो सिंपल आपके पास कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्या है, आपको जैसे एक्स की पावर 5 का कॉफिशेंट चाहिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस टर्म हल्की सी आपको यहाँ पे पावर जो है वो थोड़ा डिफरेंट अलग अलग लग रही है, बट इन दी एंड यू विल हैव टू डू द सिमिलर थिंग। तो यहाँ पे 0 है, इधर से 5 कॉन्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से 1 है, यहाँ से 4, यहाँ से 2, यहाँ से 3, बस यहाँ पे एक अपर लिमिट है कि 3 और 2 ये लास्ट केस होगा, मतलब ये 4 पावर नहीं दे सकेगा आपको। जैसे यहाँ पे तो हमने 0 से लेके 0 तक पहुँच गए, लेकिन इधर नहीं पहुँच पाएंगे ऐसे 0 से लेके 0 तक, इधर यहाँ पे हमें 2 पे ही रुकना पड़ेगा।
मतलब कुछ टर्म्स ये भाई जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बस यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी तो टर्म का एक्सपेंशन करना है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली ऐड कर देना, तो यू विल गेट योर कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 5। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो 1 + x + x² + x³ की पावर 4, इसमें अगर हमें एक्स की पावर 8 का एक्सपेंशन का कॉफिशेंट चाहिए, एक्स की पावर 8 का, तो यहाँ पे हमें पहले फैक्टराइजेशन खुद करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 1 + x की पावर 4 एंड 1 + x² की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, सिंस यहाँ पे स्क्वायर आ गया है तो इट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये बिल्कुल पिछले वाले के जैसा नहीं है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने बोला कि ये 0 कॉन्ट्रीब्यूट कर दे, ये 8 कर दे, ये 1 कर दे, ये 7 कर दे, ये 2 कर दे, 6 कर दे, इस तरह से आपने 4 4 तक लिया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी पावर पहले से इवन पावर है। अब उसका आप कुछ भी पावर रेज करोगे तो ओवरऑल इवन ही रहेगा, तो मतलब इसके बस में नहीं है कि एक्स की पावर 7 आपको दे पाए। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन किया हुआ है 4CR x² की पावर r, तो यहाँ पे एक्स की पावर हमेशा इवन ही आनी है, तो 7 और 5 की कंट्रीब्यूशन जो है वो ये नहीं दे पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू गिव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 7 एंड 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4C0 4C4 x² की पावर 4, 4C2 4C3 x² की पावर 3, बस यही 3 केस में आपको चलना है, और इन 3 केस के हेल्प से आप अपने कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 8 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स की पावर जो है वो मिसिंग है, 4C2 x की पावर 2 है, और यहाँ पे 4C4 x की पावर 4 है। देखिए हर एक टर्म में एक्स की पावर 8 आपको बनता दिखाई देगा, इन सब का सम करेंगे तो यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट केस में 2 3 और 3 2 को एक क्यों नहीं माना, भाई अलग अलग केस है यहाँ से। भाई तुम अभी तो एडवांस की बातें कर रहे थे, अब तुम आ गए एकदम बोर्ड लेवल के क्वेरी पे, भाई क्या हो गया। तो यार इसकी पावर 2 है, इसमें इसकी पावर 3 है, अलग अलग टर्म बनेंगी ना, दोनों सेम कैसे बनेंगी टर्म्स, हैं ये टर्म अलग है, इसकी पावर 2 करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे आपके पास 4x² बनेगा, जब इस टर्म का क्यूब होगा तो कितना बनेगा, बेसिकली 8x³ बनेगा, दोनों अलग अलग टर्म है मेरे भाई, क्या होगा। ऐसा ही होता है जब हम एकदम एडवांस एडवांस की बातें करते हैं, तो बोर्ड लेवल की हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हिले होते हैं हमारे, इसीलिए तो एडवांस हो नहीं पाता। और एडवांस में कोई ऐसा ऐसे कुछ अचानक से थोड़ी ना ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिलकर ही जेई एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एनी वेज दिखाएंगे आपको, देखिए ये जैसे जेई एडवांस का क्वेश्चन है, अभी थोड़े साल पहले ही आया, बहुत पुराना नहीं है। कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ऐसा दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, बट उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने अभी अभी सीखा है उसी के साथ ही पहुंच सकते हैं यहाँ पे भी। तो आपको कितना बनाना है, 11 बनाना है, तो बस आपको सोचना है कि कौन बंदा कितना कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि आप देखिए ये 0 कंट्रीब्यूट अगर कर रहा है इस केस में, या फिर इसके इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि इससे हमने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ले ली, तो मैक्सिमम ये 8 कंट्रीब्यूट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि फिर 3 लेंगे इसके पार्ट तो 12 बन जाएगा, तो 8 इससे ले लिया और 3 इससे ले लिया तो 0 इससे ले लिया, तो एक कॉम्बिनेशन ये है। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले से हम कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करवाएं, 0 कंट्रीब्यूट करवा लें, अगर हम इससे 0 कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं तो ये 9 और ये 2 कर सकता है, तब 11 बन जाएगा। ठीक है, ये अभी इनकी रेंज में है, या फिर ये 0 कर रहा है तो ये 3 और ये 8 कर सकता है, सबका अपना अपना कॉम्बिनेशन बना के देखना है। ये इवन इवन वाली पावर करेगा, ये 3 के मल्टीपल्स करेगा कॉन्ट्रीब्यूट हमेशा, तो जब ये 4 करेगा तो इधर से 3 और इधर से 4 ले सकते हैं। बस आपको ये केसेस ढूंढने हैं दिमाग लगा के कि कौन कौन से केसेस बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने दिमाग लगाया तो जो जो नहीं बन रहे थे वो आपने हटा दिए, बस 3 के एक्सपेंशन में क्या होगा, 3 के एक्सपेंशन में दिमाग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इधर से भी चल सकते हैं, यहाँ पे इधर से चले हुए हैं हम, पहले हमने एक्स की पावर 0 लिया, अब 0 के साथ क्या क्या बन सकता है, एक्स की पावर 2 लिया उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक्स की पावर 4 ले लिया उसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक्स की पावर 8 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यहाँ से हम चले और मैक्सिमम बेसिकली 8 तक ही जा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो बस यही 4 केस बनने हैं, एक बार आपने ये चार्ट बना लिया उसके बाद तो कॉफिशेंट लिख के बस आपको सम ही करना, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन और अ मैटर ऑफ टाइम, उसमें तो कोई भी ऐसा दिमाग तो लगना नहीं है, सारा दिमाग ये चार्ट बनाने में लगना है। तो अगर ये 3 की जगह यहाँ पे 4 ब्रैकेट हो जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट उसका मतलब ये नहीं कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सीखने को तो वही मिला जो इस क्वेश्चन ने हमें सिखाया,
बस यहाँ पे चीज़ें थोड़ी है दिमाग में ज़्यादा हमें परेशानी हुई, ज़्यादा सोचना पड़ा कि कौन कौन से केसेस बनेंगे। पिछले वालों में केसेस जो सोच रहे थे हम वो थोड़े कंपैरेटिवली बने थे इजी, तो यही डिफरेंस आया था मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा हायर एक लेंदियर साइड पे कह सकते हैं कि सोचने में समझ लग जाएगा। बट क्या है कि मेंस में भी आजकल तो लेंदी क्वेश्चन आने लग गए, तो ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ जाए, आप इसको रोक थोड़ी सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपने पास एक नया अगला टर्म आ गई जो हमारा फॉर्मूला होता है बहुत ही बढ़िया, NCR, NCR+1 का ऊपर वालों का सम कर देते हैं, मतलब ऊपर वालों का एक यूनिट से सम कर देते हैं, मतलब N+1 कर देते हैं, और नीचे वालों का हम जो बड़ा होता है वो रख लेते हैं। तो ऊपर वाले को एक यूनिट बढ़ाने देगा और नीचे वाले का जो बड़ा है, बड़ा भाई है, उसको रख लेते हैं। जैसे 7C3, 7C4, ऊपर वालों को बढ़ा दो तो 8 आ गया, नीचे वाले में जो बड़ा है वो रख लो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा हो तो ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, वो बढ़ा दिया, नीचे वाले में जो बड़ा है उसको आपने रख लिया। तो चाहे ये फॉर्मूला याद कर ले, चाहे ये फॉर्मूला याद कर ले, लेकिन ये सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कॉफिशेंट है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक 5 और एक 7 हो गया, 5 और 6 हो सकते हैं, 7 और 8 हो सकते हैं, ऐसे करके कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। NCR जो होता है वो NCN-R होता है, ये हमें पता ही है। जैसे यहाँ पे है 1+x^32, 33, 34, 35, 36 अप टू 47 है। मान लीजिए इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 पूछ लिया, तो इसमें कितना आएगा, 33C7, अगले वाले में 34C7, फिर 35C7, 47C7। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों बढ़ रहे हैं, नीचे वाले बढ़ने चाहिए, ऊपर वाले कांस्टेंट रहने चाहिए, यहाँ पे उल्टा है, नीचे वाले कांस्टेंट है, ऊपर वाला बढ़ रहा है, तो वहाँ पे नहीं लग पाएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा, हमने 33C8 से इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया, वी हैव एडेड 33C8 हियर एंड 33C8 वी हैव सब्ट्रैक्टेड। अब क्या है, ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाले में कॉन्जिक्यूटिवनेस वाला जो नेचर है वो दिख रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 34C8 आ जाएगा। अब ये 34C8 इस 34C7 के साथ ऐड होगा तो आपको मिलेगा 35C8, ये 35C8 अगले 35C7 के साथ ऐड होगा, फिर से दोनों में से बड़ा यहाँ पे और ऊपर वाले को एक बढ़ा देंगे तो 36C8, ऐसे ऐड होता रहेगा। तो जब लास्ट वाले में ये ऐड होगा तो बेसिकली आपके पास आंसर कितना छोड़ जाएगा, जब ये लास्ट वाला ऐड हुआ होगा तो इसका एक यूनिट आगे बढ़ जाएगा, तो बेसिकली 48C8 बन जाएगा, और साथ में ये माइनस तो हो ही रहा होगा, तो 48C8 - 33C8 ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ये आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में इस फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो वो पैटर्न आपको ढूंढना है कि ऐसा क्या करें कि हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाए और हम लगा दें, ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं लगा देना है, बहुत ध्यान से देख लेना, नीचे वाली टर्म कॉन्जिक्यूटिव नेचर में मूव कर रही है, ऊपर वाली टर्म जो है आपकी कॉन्स्टेंट है, 180 आ रहा है। हाँ, हो सकता है सॉल्व करके कितना भी बेटा आ रहा हो, पता नहीं, मैंने तो निकाला नहीं कभी, है ना, 180 वैसे तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, बट तुम कह रहे हो तो आ रहा होगा, तो अभी तुमने इतना बड़ा सॉल्व किया है तो ऑप्शन इसी फॉर्म में होगी, 180 नहीं पूछेगा आपसे करने को। ठीक है, जैसे ये है, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 9 पूछा है आपसे, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आपकी टर्म्स आपको दिखाई दे रही है ऐसे करके, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर 9 कब बनेगा, एक तो यहाँ से उठा लो 1+x^9, वो उठा लो x^9 और बाकी सब में से 1 उठा लो तो बन जाएगा ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप देखिए ऐसा कर लें कि 1x^1 उठा लीजिए, 1x^8 उठा लीजिए, तो 8 और 1 मिलके आपको 9 दे देंगे, और क्या हो सकता है, 2 और 7 मिलके 9 दे सकते हैं, 3 और 6 मिलके 9 दे सकते हैं, 4 और 5 मिलके 9 दे सकते हैं। ठीक है, तो x^4 उठा लीजिए, x^5 उठा लीजिए, तो आपको 9 मिल जाएगा। तो 4 केस ये हो जाएंगे आपके जब x^9 मिलेगा, तो 4 मतलब हर केस में 1 1 1 कॉफिशेंट आ रहा है, एवरी केस इज हैविंग 1 कॉफिशेंट। ठीक है, 3 3 का अगर उठा के देते हैं तो 1 2 6 उठा लीजिए, 1 3 5 उठा लीजिए, या फिर 2 3 4 उठा लीजिए, 4 4 का नहीं उठा पाएंगे क्योंकि 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 3 4 का ही सम 10 आ रहा है, तो वो 9 को एक्सीड कर जाएगा। तो बस इतने केस होंगे, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, और 1 ये हो गया, 4 3 7 और 1 8, तो बेसिकली कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 कितना आएगा, 8 आएगा। तो बेसिक अब आप देखो इसमें इसमें तो मतलब मैं कहूँगा बायनोमियल थ्योरम का भी कोई यूज़ नहीं हुआ, देखा जाए तो बायनोमियल थ्योरम का तो क्या ही यूज़ है, ये सिंपल आपकी कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन हो रहा है। अगर हम बात करें मतलब मैं 10th क्लास के बच्चों को भी समझाना चाहूँ तो मेरे हिसाब से तो वो समझ ही लेगा, इसमें कुछ ऐसा ना समझने वाली बात तो है नहीं। तो ये एडवांस में आया है 2015, अभी थोड़े साल पहले आया है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है कि 1980 का क्वेश्चन है, तो ये रीसेंट क्वेश्चन है। अब फिर भी लोग कह देते हैं कि एडवांस का पेपर जो है बहुत मुश्किल है, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन बहुत सारे, NCR NCN-R। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन है कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कॉफिशेंट्स की, क्या है, डिवीजन है, मतलब ऊपर वाला बड़ा हो चाहे नीचे वाला बड़ा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता,
जो भी छोटे होंगे छोटे वालों का डिफरेंस ले लेना और बड़े वाले को क्रॉस करके लिख देना। छोटे वालों का डिफरेंस लीजिए, बड़े वाले को क्रॉस करके लिख दीजिए, दोनों को क्रॉस ही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, छोटे वालों का डिफरेंस ले लीजिए तो 20 माइनस 6, और बड़े वाले को क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा आ गया, छोटे वालों का डिफरेंस लीजिए, बड़े वाले को क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे छोटा कौन सा, ऊपर वाला, छोटे वालों का डिफरेंस लीजिए क्रॉस, और बड़े वाले को क्रॉस कर दीजिए। दोनों को क्रॉस करके लिखना, छोटे वालों के डिफरेंस को और बड़े वाले को। सिंपल फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल मेथड याद करने का। जो भी छोटे वाले हैं उनका डिफरेंस क्रॉस करके लिखो और बड़े वाले को क्रॉस करके लिखो। बड़े मियाँ जो है वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसी फॉर्मूला में वही था। यहाँ पे भी क्या है, ऊपर वाले को एक बढ़ा देना, बड़े मियाँ जो है वो वैसे के वैसे ही है। बड़ा भाई जो होता है वो चेंज थोड़ी होता है, छोटे वालों को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, आपके पास कॉफिशेंट ऑफ एक्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन 1 प्लस x की पावर n प्लस 5 आर इन द रेशियो 5, 10, 14। अब आप अगर कहेंगे, अगर आप ढंग से कभी एनसीईआरटी खोलेंगे अपनी, तो ऐसा ही सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। बिल्कुल डिटो तो नहीं मिलेगा, बट ऐसा सवाल मिल जाएगा। तो अगर आपने वो सवाल किया हो तो ये भी कर लेंगे। अब ये जे एडवांस का PYQ है, फिर ये 2000 किसी में आया है। ऐसा नहीं है कि 1990 का क्वेश्चन उठा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया हो, कि वो भी विद इन द सिलेबस ही पूछते हैं। बट हमारी प्रेपरेशन ही इतनी ख़राब होती है कि हमें वो क्वेश्चन भी ऐसा लगता है कि पता नहीं ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया। ओलंपियाड में क्वेश्चन जो आते हैं वो अच्छे आते हैं, लेकिन ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आते। जेई एडवांस के क्वेश्चन वही छोटे 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 क्वेश्चन को मिला के एक जेई एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। और ये मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, प्लस की क्लासेज में, स्पेशल क्लासेज में 1000 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के प्रूव करके दिखाया है कि देखो, एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो छोटे 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 क्वेश्चन से मिला है। 90-95% जो क्वेश्चन आते हैं एडवांस में वो डूएबल क्वेश्चन होता है, कोई भी बच्चा उसको कर सकता है अगर उसने ढंग से प्रेपरेशन करी है। बाकी क्या होता है कि हमारे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार हमारे क्वेश्चन रह भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेने, तो हमने कोई भी 3 ले लिए। ये r-1 की एक टर्म, एक r की और एक r+1 की, इनके कॉफिशेंट ही लेने थे, ठीक है। तो कॉफिशेंट हमने उठा लिए, और ये रेशियो इन्होंने 5:10:14 बोला है, तो इन दोनों का डिवीजन कर दीजिए। छोटे वाला तो ये है, तो छोटे वालों का डिफरेंस बड़े वाला एज इट इज़, ये 10/5 हो गया। फिर उसके बाद एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया, फिर अगले दोनों का कॉन्जिक्यूटिव वाला कर दीजिए, छोटे वालों का फिर डिफरेंस बड़े वाला एज इट इज़, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14/10 लिखा हुआ है, 7/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपने आर की वैल्यू बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दी है, एन आ गया आपके पास, और आपको क्या ढूंढना था, आपको एन ही ढूंढना था। ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। देखिए आप, तो बेसिकली आपको अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। आप तो मेंस के क्वेश्चन से घबरा रहे थे, मैं कह रहा हूँ एडवांस के क्वेश्चन को भी देख के घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ाई की है तो। 1 × 30C1 30C0, 2 × 30C2 30C1, 3 × 30C3 इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो आप यहाँ पे पहले तो वही जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा वो लगाइए। तो 30-0 = 30 और बड़े वाला एज इट इज़, 30-1 = 29 बड़े वाला एज इट इज़, 30-2 = 28 बड़े वाला एज इट इज़। तो वो फॉर्मूला लग गया, ये बाहर वाले कॉफिशेंट सारे कट गए। तो बेसिकली क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर आ गया। तो 30 × 31 + 2, n × n+1/2 का फॉर्मूला होता है ना, तो वो यहाँ पे लग गया, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फिर से जे एडवांस का क्वेश्चन है, 2000 कुछ में आया, बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने। ऑल द क्वेश्चन आर इन द रेंज ऑफ 2000 समथिंग। लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कह रहा है इसमें ना एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो इतना बन रहा है, और n भी इंटीजर है, और जो है m है वो सबसे छोटा इंटीजर रखना है। m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, m सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और n को इंटीजर बनाना है। तो n की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, सिंस अब दो एक्सप्रेशन हैं, बेसिकली दो अननोन है, और इक्वेशन एक ही बनेगी, दो अननोन एक इक्वेशन, तो हीट एंड ट्रायल तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं, 2C2 आ गया, यहाँ से 3C2, 4C2, 49C2। अब इनका सम करना है। अब नीचे वाले बेसिकली क्या है, इस 2C2 को आप कैसे लिख लो, इस 2C2 को अगर आप, वैसे तो रिजल्ट भी होता है, बट अगर आप इस 2C2 को 3C3 लिख लो, एक ही बात होगी ना, 2C2 3C3 दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो देखो आंसर कितना आएगा, 4C3, अगले वाले में ऐड होगा तो 5C3, ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा। तो आपके पास कितना आंसर दे देगा आपको, आपको 50C3 का आंसर दे जाएगा, ये 49 तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 50C3 लिखा हुआ, तो ये 50C3 आ गया, ये 50C2 है, एम स्क्वायर है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन तो दे ही रखा है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको दोनों को ना मैच करने की कोशिश करनी है, बस यहाँ पे मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा खेलना है इनके साथ कि थोड़ा इजी सा एक्सप्रेशन हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों आपके मैच कर रहे हैं, तो आपके पास एक रिजल्ट होता है r × ncr का, हम आगे चल के देखेंगे r × ncr का रिजल्ट। तो वो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, 51 और एक एक दोनों घट जाते हैं,
तो बेसिकली n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, इस तरह से आप उस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो, वो यहाँ पे यूज़ करते हुए आपको दिखाया गया है। तो 50C2 ये इतना रह गया, ये 51C3 अपने पास आई, तो यहाँ पे हमने 50C2 को ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, इससे क्या होगा, ये 51C3 बन गया और इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये 50C2 है, ये भी 50C2 है और ये भी 50C2 है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, एम स्क्वायर इक्वल टू 51n+1। अब आपको क्या करना है, एम को छोटा रखना है, सबसे छोटा रखेंगे एम को, सच दैट ये जो एम है वो एक इंटीजर बन जाए। अब एम इंटीजर तभी बनेगा एन के साथ जब ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब आपको देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, तो डाल डाल के देखना शुरू कर दो, एन की वैल्यू 1 डालो, फिर एन की वैल्यू 2 डालो, तो आप देखेंगे कि एन की वैल्यू 5 डालने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता दिखाई देगा आपको। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको, तो एन 5 डालने पर देखो कितना बनेगा, 5 और 255+1 256 बन जाएगा। तो बस ये सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से आप अपने एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं कि एन की वैल्यू जो है आपकी वो 5 आ गई है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है, अब इतना तो सॉल्व करवाए गए तुमसे जेई मेन में और जेई एडवांस में। अब हम सोचें कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आए, तो वैसा तो नहीं आएगा। फिर हमारे पास आ गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्या होता है कि बेसिकली प्लस माइनस को छोड़ दो, वैसे टर्म बतानी है हमें कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी। प्लस माइनस को छोड़ने के बाद आपको एक्स प्लस ए की पावर एन में अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, जहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो वो होती है बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि के ढूंढना है आपको सबसे पहले, के होता है n+1 × ये इसका मॉड ओवर एक इंडिविजुअल मॉड, दोनों के मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ ए, बड़ा ही आसान है। ये वाला यहाँ पे आएगा और दोनों के मॉड नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब के अगर तो इंटीजर आ गया, तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलती है, टी के एंड टी के प्लस वन। और अगर के इंटीजर नहीं आया, तो टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस वन आपकी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होती है। ये शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप एनजीटी का कोई भी क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोला 4 + 3x⁻⁷। ध्यान रखना अपना एक्स ए है और अपना ए ये है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2/3, तो हम क्या लगा देंगे, n+1 अपना ए ये वाला है और ये अपना एक्स हो गया, ये अपना ए का मॉड हो गया। यहाँ पे वैल्यू भी डाल दीजिए 2/3x की वैल्यू, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो k हमारा 8/3 आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है। जब भी इंटीजर नहीं होगा तो टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस वन आपकी टर्म बनेगी। तो टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, 8/3 का ग्रेटेस्ट है तो 2 आ गया, तो 2+1 अपने पास आ गया t3, तो 7c2, 4 की पावर 5, 3x की पावर 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर से आपने डाल देनी है और ये आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगी, विदाउट यू नो साइन, प्लस है माइनस है वो नहीं हम देख रहे, हम केवल वैल्यू वाइज देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी टर्म है। जैसे इसमें आपको पता करना है कि कौन सी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो आपने फिर से n+1 ये मॉड के अंदर रखना है, ये भी मॉड, वैल्यू डाल देंगे एक्स की आपको दे रखी है 1/5, तो ये एक्सप्रेशन इंटीजर आ गया। इंटीजर आ जाए तो दो टर्म होती है, टी के एंड टी के प्लस वन, तो यानी कि t4 and t4+1 विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये दोनों आपकी क्या होंगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स बन जाएंगी। फिर मिडिल टर्म की बात आ जाती है। मिडिल टर्म का काम आसान है, जैसे देखो 10 टर्म है आपके पास, ठीक है, 10 टर्म है तो बेसिकली पावर 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म तो 11 होंगी, तो बीच वाली टर्म छठी टर्म आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे लॉजिक से देख लीजिएगा, अगर लॉजिक से नहीं देखना तो ऐसा हमारे पास एक ट्रिक भी है, क्या कि 10 तो एक अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, इसको 2 से डिवाइड करने का फिर +1 कर देने का तो टर्म आ गई। लेकिन 15 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है, तो इसमें पहले एक टर्म ऐड करने का, +1 करने का, 15+1, फिर 2 से डिवाइड ये हो जाएगा, तो 15+1/2। लेकिन सिंस ये अच्छा बच्चा नहीं था, तो इसको संभालने के लिए दो लोग लगेंगे, तो एक 8th टर्म और एक 9th टर्म। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो भाई लॉजिक से देख लो कितना ही मुश्किल है ये, तो है ना। नो ट्रिक भी लगा सकते हैं कि अगर तो डायरेक्टली डिवाइड हो गया तो बढ़िया है, फिर तो वही टर्म आ जाएगी 10/2+1। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 क्या है, 7 तो अच्छा बच्चा नहीं है, तो +1 करने का, 7+1 8, 8/2 आ गया 4th, तो दो लोग लगेंगे 4th और 5th, ठीक है, अगर अच्छा बच्चा नहीं है। अगर अच्छा बच्चा है तो फिर एक ही लोग लगेगा, सीधा ÷2+1। अगर अच्छा बच्चा नहीं है तो +1/2 वो टर्म और एक उसकी अगली टर्म अपनी मिडिल टर्म होगी। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आराम से लॉजिक से देख लीजिएगा, वहाँ से दिख जाएगा। सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस। अब 8 तो अच्छा बच्चा है, 8 अच्छा बच्चा है, तो 8/2 करने का, +1 करने का, यानी कि t5 जो होगी वो आपकी मिडिल टर्म होगी। t5 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 8c4x⁻ ये एक्सपेंशन में ला दिया और ये हमें बोल रखा है कि पहले ही 5670 है, इसको इसके बराबर कर दो। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैंसिलेशन कर लो, जो सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं वो कर लो, x⁸ की वैल्यू 81 आ गई, तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सारी रियल वैल्यूज़ का सम निकालें तो x⁻ की टर्म तो मिसिंग ही है, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, वो 0 आ गया। नहीं तो यहाँ से निकाल के फिर सम कर दो, वो सारी टर्म्स प्लस माइनस में आएंगी,
तो वहाँ से भी आपको जीरो ही आता दिखाई देगा। आई होप दिस इज ओके। आगे चलते हैं। फिर टर्म आ जाती है कई बार क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है जी? ग्रेट एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था, एक था ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बेसिकली वो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, सिंपल। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें मान लो आपसे मिडिल टर्म पूछ रहा है, जैसे इसमें है, तो इसमें मान लो आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे T6 का होगा भाई। T6 का कौन होगा? तो 10C5 होगा। तो 10C5 विल बी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। अगर मिडिल टर्म दो है तो दो बड़े बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएंगे। जैसे अगर 8th टर्म और 9th टर्म मिडिल टर्म है, तो 15C7 एंड 15C8 आर बोथ गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। फिर आया था जैसे एक तरह का ये भी सवाल आता है, इसमें आपसे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इरैशनल टर्म, ये सब पूछता रहता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा है, ये भी ऐसे लॉजिक से कर लेने का, सिंपल nth टर्म लिखने का, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, बट लेट्स नॉट गो इन टू दैट। तो यहाँ पे आपके पास Tr+1 आ गया, तो वो आपने लिख लिया NCR, 3 की पावर n-r, और ये सिंह 3 की पावर 1/2 थे, तो वो इसलिए डिवाइडेड बाई 2 है, और 5 की पावर r/8 है। अब आप देखिए कि r/8 और ये दोनों ही बेसिकली कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए अगर हमें इंटीजर चाहिए तो। तो r क्या क्या पॉसिबल है? r को 8 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा, तो r को अगर 8 का मल्टीपल होना है, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म 33 रखनी है हमें। तो 0, 8, 8 × 1, 8 × 2, ऐसे करके 8 × 32 तक तो जाएगा, फिर भी तो 33 टर्म बनेगी, है ना। तो यानी कि कम से कम ये तो जाना ही चाहिए। और जब यहाँ पे आप डालिएगा, बेसिकली मान लीजिए आप n, ये हमारे हिसाब से आ रहा है कि 256 कम से कम होने चाहिए n की वैल्यू आपकी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो वहाँ तक ले जाएगा उसको, इसकी ओवरऑल पावर को, r को हमें वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप इस रेंज में जाएंगे तो n अगर आप 256 रखते हैं तो ये तो इवन ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मेरे हिसाब से यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 256 का, ठीक है। तो ये बेसिकली जितने दे रखे थे उसके बेसिस पे हमें करना है। कई बार नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछ लेता है, n वगैरह दिया होता है, यहाँ पे n मिसिंग था और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन था, तो n हमसे पूछ रहा है कि कितना बनेगा। फिर सीरीज समेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। सीरीज समेशन में क्या है, जैसे 1+x^n है, तो NC0, NC1, NC2, x², NC3, x³, ये इस तरह से आपका चल रहा है। अगर मैं इसमें x=1 डाल देता तो सारे बायनोमल कॉफिशेंट्स का जो सम है वो 2^n बन जाएगा। तो सिग्मा NCR को क्या बोल सकते हैं हम, 2^n बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं इसी में -1 डाल दूँ तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म के कॉफिशेंट जो होंगे उनका सम कितना आता है, उनका सम 0 आ जाता है। तो -1^r NCR अगर करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। किताबों में कई बार NCR को CR भी लिख देते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ये एक्सप्रेशन है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। आप 50 CR और ये एक्सप्रेशन उठाइए और इसमें फॉर्मूला डाल दीजिए, तो आप देखेंगे 50 - R का एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इतनी टर्म बची है यहाँ पे, एक 50 factorial upon R factorial बचा है, वो आपने इधर दे दिया 25 के नीचे, 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये 25 आपने इधर रख लिया। तो बेसिकली ये तो सीधा बन गया 50C25, और ये बन गया आपका 25C R। अब 25C R के ऊपर बेसिकली सिग्मा लगा है, कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, और 25C R के ऊपर अगर आप 0 to 25 सिग्मा लगा दें, तो अभी अभी हमने देखा फॉर्मूला, तो 2^25 बन जाएगा। ये 2^25 बेसिकली K के बराबर होगा, क्योंकि बाकी का एक्सप्रेशन जो है आपका वो तो 50C25 ऑलरेडी बन ही चुका है, ठीक है। तो बस फिर K कितना हो जाएगा आपका, 2^25 आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द कॉफिशेंट्स ऑफ ऑल द इवन पावर्स ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट, तो कह रहे हैं जैसे प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट होगा तो a0 से लेके a4n तक के कॉफिशेंट्स आ सकते हैं, मतलब x^4n तक जा सकता है ना। तो इतनी मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि 2n 2n मिलके x^4n बनाएंगे, और कितना बनाएंगे। अब इवन वाले ढूंढने हमें, जैसे तो जैसे आपने 1 डाल दिया तो सारे आपके कॉफिशेंट आ गए, और -1 डाला तो ऑड के आगे, हर ऑड वाले कॉफिशेंट के आगे क्या आ जाएगी, माइनस पावर आ जाएगी। तो अगर आप दोनों का सम कर देते हैं तो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, केवल इवन इवन वाला। तो ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसका जो सम है इवन कॉफिशेंट का वो 261 दे रखा है, ठीक है। तो 2 2 तो यहाँ से कट गया, ये उधर चला गया, तो आपके पास यहाँ पे उस तरफ दूसरी तरफ गया ये, तो 2n+1 61 बन गया, तो n आपके पास 30 आ गया, बस वही आपका आंसर है, और तो क्या है, ठीक है। तो ये इवन इवन वालों का सम आपके पास बन जाएगा। फिर हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया, दो इंपॉर्टेंट, पहले वाला है R into NCR।
आर इंटू एन सी आर जो होता है वो हमारा एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है, ये उसकी डेरिवेशन दिखा रखी है, बट फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी मैंने डेरिवेशन दिखा दी है। तो आर इंटू एन सी आर जो है वो एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन है, बेसिकली ये नंबर नीचे आया था दोनों में से एक एक घट जाता है, जैसे 8 × 25 सीट पीछे हमने यूज़ किया था ना, ये वाला यूज़ किया था, 25 नीचे आ जाएगा दोनों एक एक घट जाएंगे, इसका जब भी इस्तेमाल करना हो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 × NC0, 3 × NC1, 4 × NC2, इस तरह चल रहा है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले देखना है कि अगर ये आर है तो ये कितना है, ये आर प्लस टू है, ये देखो ये आर है आर प्लस टू, आर आर प्लस टू, तो पैटर्न देखना है, ये अगर आर मानेंगे तो ये आर प्लस टू होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली 2 की पावर n हो गया आपका, इधर आर इंटू एन सी आर आ गया। अब आर इंटू एन सी आर में मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और इसके ऊपर आपका सिग्मा लगेगा, जब इसके ऊपर आपका सिग्मा लगेगा तो ये आपको 2 की पावर n-1 दे देगा, और बाहर एक n है, तो इसके एक्सप्रेशन को डायरेक्टली याद भी किया जा सकता है, नहीं तो आप वहाँ पर डराइव भी कर सकते हैं उस पुराने फार्मूला की हेल्प से जो हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये हमने एज अ फॉर्मूला आपको करवा दिया कि सिग्मा आर इंटू एन सी आर, आर 0 से हो चाहे 1 से हो, इसकी वैल्यू एन इंटू 2 की पावर n-1 आती है, ये यहाँ पे वही डेरिवेशन कर रखी है जो मैंने आपको यहाँ नीचे करके दिखाई है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 × 15C1, 5 × 15C2, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला हमेशा ही एप्लीकेबल होगा, बस आपको पैटर्न ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए ये तीन तीन के डिफरेंस पे चल रहा है, मतलब 3R वाली टर्म होगी है ना, सीक्वेंस सीरीज तो पढ़ा ही है ना सबने, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं R को 1 से, तो अब 1 डालने पे 2 बनना चाहिए, तो 3R-1 रखेंगे तभी 1 डालने पे 2 बनेगा, तो बाकी की टर्म आप चेक कर लें वेरीफाई हो रही होंगी, तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आर इंटू एन सी आर, ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन या फिर एन टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एन टू की पावर एन माइनस वन, और ये एक्सप्रेशन में आप देखिए 1 से लेके 15 तक है, तो 15 से 0 वाली टर्म मिसिंग है, तो 2 की पावर 15-15 से 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, प्रणाम बेटा प्रणाम। तो यहाँ पे है 25 CR, ये तो एक्सप्रेशन इन्होंने बना के दिया है, ये प्रीवियस ईयर JEE मेन है, तो C0, 5C1, 9C2 ऐसे करके एक्सप्रेशन दिया। आप देखो फिर से, आप देखो चार चार के डिफरेंस पे चल रहा है, तो 4R टाइप का होगा, अब आर 0 डालने पे 1 बनना चाहिए, तो मतलब 4R+1 होगा। ये आपकी बेसिक सीक्वेंस सीरीज की नॉलेज से आप बहुत इजीली पैटर्न्स को लिख सकते हैं। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवा ही दिया है, एन 2 की पावर n-1 वो लग गया यहाँ पे, और ये टर्म पूरी है तो 2 की पावर 25 आ गया, ये आपका आंसर बन गया 51 × 2 की पावर 25। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू आपकी 51 बन जाएगी। आई होप दिस इज ओके। एम और एन नेचुरल नंबर है, जी सी डी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 और n का वो 1 है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है कि इसमें n प्लस m कितना होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं 30, 30C0, 29, 30C1, ये इस तरह से आपको दिख रहा है। 30C0 को 30C30 तो लिख ही सकते हैं, इसको 30C29 लिख ले ताकि मैच हो जाए। तो बेसिकली ये R इंटू एन सी आर बन गया। अब R इंटू एन सी आर का फिर से फॉर्मूला आपको पता है, n 2 की पावर n-1, तो वो देखो एक ही फॉर्मूला से बार बार आप कई तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में कर पाएंगे, बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि n और m में ग्रेटेस्ट कॉमन, ये जो हमने कर दिया ना यहाँ पे n, बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे आपके पास ये जैसे बन गया 30 × 2 की पावर 29, अब लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि जब आप देखेंगे तो n 30 है, और 30 और 2 का तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 नहीं बन पाएगा ना, तो बेसिकली 1 2 यहाँ से इसको देना, बस ये छोटी सी ट्रिक थी यहाँ पे, बाकी का तो आसान ही सवाल है। तो यहाँ पे 1 2 इसको देके इसको ऐसा नंबर बना लिया जिसका 2 के साथ जब एलसीएम ले, सॉरी 2 के साथ जब एचसीएफ ले तो वो 1 आ जाए ना, मतलब कोई नंबर निकल के ना आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर शुड बी इक्वल टू 1, तो बस वो एक्सप्रेशन आपको ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए 1² NC1, 2² NC2, 3² NC3, यहाँ पे टर्म क्या है, अब स्क्वायर में आने लगी, मतलब वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं चल रहा जैसे पीछे चल रहा था, तो टर्म जो है वो R² NCR वाली बन गई। इसको हैंडल करने के लिए R² को R × R लिखा,
यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगाया और उसके बाद यहाँ पे इस आर को -1 + 1 कर देंगे, तो ये यहाँ पे किया हुआ है -1 + 1, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सप्रेशन आपका फिर से फॉर्मूला वाला बनेगा, तो ये फिर नीचे आया, फिर एक्सप्रेशन बना, ये आपका डायरेक्टली अब सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ें सब आपने आई होप पहले पढ़ रखी होंगी, तभी आप इस स्पीड पे पढ़ पाएंगे। हम तो एक वन शॉट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा स्लोअर वर्जन देखना पड़ेगा, फिर आप इस पेज पे नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब अगर समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस पेज पे समझना फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया, यहाँ पे n-1 बाहर आ गया, ये पावर रेज होगी, ये भी आ गया एक्सप्रेशन, तो यहाँ से आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, n(n+1)2n-2 होता है ये, है ना, आर स्क्वायर का होता है। r(r-1) का क्या बनता है, n(n-1)2n-2। r(r-1)r-2 का क्या बनेगा, n(n-1)n-2)2n-3। तो ये पावर घटती जाएंगी, यहाँ पे फैक्टर्स आते रहेंगे। इधर आर क्यूब का मत बना लेना, बस आर स्क्वायर तक का ही होता है जब एडिशन वाले फैक्टर्स आते हैं n(n+1)। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट, दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, तो r(r-1)NCR, फिर से हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो एन नीचे आ गया, और इनका दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया तो वो आ गया। तो डायरेक्टली भी आप अगर लगाना चाहते तो लगा सकते थे, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाता r(r-1)NCR। तो ये बेसिकली बिना फॉर्मूला के एज अ प्रूफ किया हुआ है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये सब चीज़ों का यूज़ आएगा, ये रीसेंट ईयर्स में ही आया है। सबसे पहले सिग्मा के, ये तो डायरेक्टली है यहाँ पे, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो ये a11 की आपकी टर्म बन गई, ठीक है, पहले वाली टर्म। जो आपकी a21 की टर्म है ये, वो r(n)CR है, जो इसका आंसर n(n-1) होता है, ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। फिर ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन है, 1 + 3 की पावर n की एक्सपेंशन लिखी हुई है और कुछ भी नहीं, देखिए वही कॉफिशेंट को कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 + 3 की पावर n मतलब 4 की पावर n आ गया। और ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका r²NCR का हुआ, आर स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमने अभी अभी ड्राइव किया यहाँ पे, n(n+1)2n-2, तो ये भी आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास चारों एक्सप्रेशन है यार, दोनों को बस मल्टीप्लाई करके आपको इक्वल टू 0 करना है, और क्या, यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक बार आपके पास एन आ गया, उसके बाद आपको ये एक्सपेंशन निकालना है। ये एक्सपेंशन निकालने के लिए आपके पास अलग सा फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आगे चल के आएगा अभी, ये वाला पार्ट जो है वो आगे चल के फॉर्मूला है n(n-CR)/r+1 का, वो भी आपने पढ़ रखा होगा पहले, ये वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ डिवीजन वाले टर्म्स। पहले हम देख लेते हैं जब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आते हैं, जब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आते हैं तो कैसे करते हैं, -1 की पावर r का फैक्टर जो है वो बाहर आ सकता है ना, तो उसको अकॉर्डिंगली देखना है। यहाँ पे देखिए ये कितने कितने पे चल रहा है, चार चार पे चल रहा है, तो 4r हो गया, 0 डालने पे 3 आना चाहिए, तो इसलिए 4r+3 हो गया। ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में थ्योरी में अगर एक बार पढ़ रखी है तभी आपको समझ में आएंगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम थोड़ा फास्टर पेस पर रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई हो गया और एक 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये एक्सपेंशन जो है ये तो प्लस माइनस की टर्म आ गई, तो वो हमें पता ही है कि 0 होता है, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन गया, फिर से 30 नीचे आ जाएगा और 29 CR-1 आ जाएगा। इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर वाली टर्म का फिर सिग्मा 0 आ जाना, तो ये आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सारे एक्सप्रेशन जो होते हैं वो 0 ही होते हैं, क्योंकि फाइनली जो सिग्मा बनता है वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स का बनना और उसका सम 0 है, 0 का प्रोडक्ट किसी के साथ भी करोगे तो ओवरऑल आंसर 0 आया था। तो अगर सीरीज कंप्लीट है तो आंसर 0 आएगा, हाँ कुछ टर्म्स मिसिंग है तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस में आंसर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वो आर डिवीजन वाला फॉर्मूला जो मैं आपको पीछे यूज़ करके दिखाया था n(CR)/r+1 का, ये एक्सपेंशन जो है वो आपकी दोनों, ये दोनों बढ़ जाते हैं एक एक, और नीचे ये ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, तो n+1 CR+1/n+1 यही हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखिए एडवांस वाले प्रॉब्लम में, यहाँ पे ये दोनों आपके बढ़ गए हैं 5CK+1, और ऊपर वाला नंबर आपका नीचे आ गया, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी ये उसी उसी सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सी ये आर है, ये r+1 है, ये आर है r+1, तो वही एक्सपेंशन फिर से बन गया, ये 36 बन जाना है, ये r+1 बन गया नीचे 36, और यहाँ पे अब आप सिग्मा लगा दीजिए, टर्म कोई ना कोई मिसिंग है यहाँ पे, कौन सी 36 से 0 वाली टर्म मिसिंग है, इसलिए वो हमने अलग से माइनस कर दिए, बाकी सारा एक्सप्रेशन आपका पूरा है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का भी कर देंगे बेटा ना, कर देंगे, पहले आज बायनोमियल कर लें एक बार।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो दो का डिफरेंस है, तो आर प्लस टू है। इसको हैंडल करने का क्या तरीका है, ऊपर नीचे आर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा, वो 36 आर प्लस वन बना देगा, वो आर प्लस वन फिर आर प्लस टू के साथ मिलके 37 सी आर प्लस टू बना देगा, ओवर 37 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पुराने वाला मेथड जो है मल्टीप्लीकेशन वाला, जो न्यूमिनेटर में सीरीज चलती है, उसकी हेल्प से आप इसको फर्दर सॉल्व कर ही सकते हैं। हाँ, तो डिनोमिनेटर में अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप उस डिफरेंस को पूरा कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट की सीरीज के क्वेश्चन आए थे बायनोमियल थ्योरम में, है ना। प्रोडक्ट की सीरीज के क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो एन सी जीरो एन प्लस वन सी टू इस तरह से जैसे आ गया ना, तो इसमें हमारा एक शॉर्टकट है कि बायनोमियल थ्योरम की सीरीज का प्रोडक्ट हो रहा हो, सीरीज अगर कंप्लीट है तो आप पहले जनरल टर्म लिख लीजिए, फिर इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट ऑफ आर बनाना है। तो इसको क्या लिखते हैं, एन सी एन माइनस आर लिख के दोनों का सम करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर आ जाएगा। तो अगर बन गया तो ऊपर वालों का सम कर दीजिए और नीचे वालों का भी सम कर दीजिए, वही आपका फाइनल एक्सपेंशन रहेगा। ध्यान रखिएगा सीरीज़ पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी टर्म्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर सी जीरो मतलब दोनों का प्रोडक्ट है, सी जीरो सी वन तो एन सी आर ऐसे हो जाएगा। इसको हम एन सी एन माइनस आर लिख लेते हैं, दोनों का सम कर दे, ऊपर वालों का नीचे वालों का, आंसर कितना आ जाएगा, टू एन सी एन आ जाएगा। ये इसका प्रूफ यहाँ पे दिखा रखे हैं, बट प्रूफ आपने पहले पढ़ ही रखा होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, मान लो मैं ये करना हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आर चल रही है, तो इसका आंसर सीधा ही आ जाएगा 12C6। ऊपर वालों का सम, नीचे वालों का सम, सीरीज पूरी कंप्लीट है। 12C6 को सॉल्व कर लेते हैं, कोई ना कोई एक ऑप्शन हमारी मैच होनी चाहिए। तो 10 और 9 और 8 और 7 और 1 2 3 4 5 और 6, देखते हैं कौन कौन करता है। तो 6 और 2 ये 12 कट गया, और हमारे पास 5 और 2 10 2 और 4 2 आ गया, और ये 2 और 4 बच गया, 3 और 3 बच गया, तो ये सारे एक्सप्रेशन बच गए। एक 33 बच गया और एक 28 बच गया, बाकी सब तो शायद निकल गए। तो देखते हैं, 8 3 24 टू कैरी, 3 2 6 तो 8 8 3 24 टू कैरी, और फिर से वही आ गया, तो 4 2 924 लीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। अब कितने मिनट लगेंगे इसको करने में, 30 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना है। ये एक्सप्रेशन आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए, ये कॉफिशेंट्स का सम, कॉफिशेंट्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर है, लेकिन बाहर भी एक टर्म चल रही है जो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप देखिए, आर टेन सी आर का स्क्वायर है, तो आर इंटू टेन सी आर पर तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने पहले लगाया है, तो 10 बाहर आ गया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कॉफिशेंट बन गया है, सीरीज़ भी आपको पूरी कंप्लीट दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी टर्म में दिक्कत नहीं है, तो सारा कुछ सेट है इसमें। तो सिंस सारा कुछ सेट है, तो हम क्या करते हैं, इनका बेसिकली एक को लिख लो टेन सी टेन माइनस आर, ये लिख लिया, दोनों का सम कर दो, तो कितना आ गया, 19C9 आ गया। तो 19C9 और 10 ये है, ये वैल्यू आपको दे रखी है कि एक्स बाय 1430 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये एक्स है, तो एक्स बाय 1430 की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका कट गया। इसको सॉल्व करके 646 आपका शायद आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हमारा यूज़ हो रहा है इन सब चीज़ों का। देखिए, यहाँ पे एक और तरह के क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी के आए थे, जैसे 2 की पावर 4 n -15 n -1, ठीक है। कई तरह के प्रॉब्लम्स है बायनोमियल थ्योरम में, आई हैव ट्राइड टू यू नो टच अपॉन वेरियस एरियाज, जो जो भी मेरे को लग रहा है कि इस साल पेपर में पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से टच अपॉन किए हैं। तो जैसे ये NCERT में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो 2 की पावर 4 को 16 लिख लिया, फिर 16 को 1 प्लस 15 की पावर n, इसका आपने एक्सपेंशन कर दिया, ये दोनों टर्म इस तरफ आ जाएंगी, बाकी उस देखिए 15 स्क्वायर बाहर आ गया, तो दिस डिविजिबल बाय 5, दिस डिविजिबल बाय 225, ये दोनों ऑप्शन आपके बन जाएंगे अगर दे रखे हैं तो। फिर मल्टीनोमल थ्योरम का भी मैंने थोड़ा सा यूज़ करवाया है, आपने मल्टीनोमल थ्योरम पढ़ रखी होगी। यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड है, जनरल टर्म जो हमारी होती थी वो क्या होती थी, ये हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन, ये अगर एक्स की पावर अल्फ़ा, वाई की पावर बीटा, जेड की पावर गामा है, तो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल होता था ना, तो मल्टीनोमल थ्योरम यहाँ पे लगाई है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो बेसिकली 10 के बराबर बनना चाहिए, नहीं तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे वो 1x और x² है, अब हमें x की पावर 4 का कॉफिशेंट चाहिए, तो देखना है हमें कि सम सबका 10 बने और ओवरऑल कॉफिशेंट x की पावर 4 बने। तो यहाँ से x की पावर 4 बन जाएगा, जब बीटा 4 रखेंगे, ये 0 है, ओवरऑल 10 बना दिया। फिर यहाँ से आपने 2 ले लिया, इधर से 1 ले लिया, और बैलेंस करने के लिए इसको 7 बना लिया,
यहाँ से 0, यहाँ से 2, एक्स की पावर 4 बन गया। बैलेंस करने के लिए इसको 8 रख लिया। अब तीनों के एक्सप्रेशन के कॉफिशेंट निकाल लिए मल्टीनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में डाल के, और तीनों का सम कर दिया तो 615 आ गया। तो ये एक क्वेश्चन है, मतलब जो आप मल्टीनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं। आपको मान लो मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं लगाना है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था इसी तरह का क्वेश्चन, वी डिड इन द स्टार्टिंग विदाउट मल्टीनोमियल थ्योरम। लेट मी शो यू, जो लोग पहले से हैं उनको तो दिखेगा, जो नए आए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो कई सालों से चल रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन समझ लो पेपर में आ गया है इस बार, ठीक है। तो ये आपको बस जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं उसी के मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में दिखाई देने हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप मल्टीनोमियल थ्योरम से करना चाहें तो आप मल्टीनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। ये मोटे मोटे आइडिया हैं, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बायनोमियल थ्योरम में। इसमें मैंने इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दिया, वो क्योंकि लॉजिक से भी कर सकते हैं हम। तो और बाकी कोई भी चीज़ इसमें नहीं छूटी है, वो सब हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो एक बार आप रन थ्रू कर लीजिएगा, आई हैव ट्राई टू टच बेस अपॉन एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। जो भी लोग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, वो 23% ऑफ का ऑफर है, आज लास्ट डे है उसका। तो मेरे रेफरल कोड विनीत लाइव के साथ आप उसको एनरोल कर सकते हैं ऑफर को, और अवेल कर सकते हैं 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आरोहन 2.0 इज कमिंग ऑन 20th of January फॉर IIT JEE 2024। ये अपकमिंग बैच है 2024 एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। एक ऑलरेडी इसका वर्जन चल रहा है, और भी बैचेस 2023 के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं जो कि फ्री है, PYQs भी दे सकते हैं उसमें। उसमें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी सीरीज है, संडेज को 9 AM और 3 PM पे दो स्लॉट्स में टेस्ट होते हैं। और आप अन अकेडमी का SRG ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं टॉप 100 AIRs इन JEE मेन एंड एडवांस, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, आई होप आपकी क्विक रिवीजन जो है बायनोमियल थ्योरम की हो गई है, और आने वाले सेशंस में और चैप्टर्स आपके हिसाब से हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो, कल मिलते हैं और कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे भी आपकी सजेशंस हैं उसके बेसिस पे और सेशंस जो है वो लेके आते हैं।